राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिवीन आर्ट पर। आप लोगों के हमारे इंस्टाग्राम पर बहुत कमेंट आते हैं कि आप जो मूर्तियाँ बनाती हैं वो हमें बनाना सिखा दीजिए और आर्ट वगैरह हमें बनाना सिखा दीजिए। तो अब से इस चैनल पर मैं लंबे वीडियो लेकर आया करूँगी जिस पर मूर्तियाँ और आर्ट वगैरह बनाना सिखाया करूँगी। तो इसी तरीके का आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम गणेश जी की मूर्ति बनाना सीखेंगे। आज हम बनाने वाले हैं फोर हैंड गणेश जी की मूर्ति जिसमें गणेश जी दो हाथों से बांसुरी बजा रहे होंगे। तो देखिए कैसे बनती है, आप भी सीखिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए सर्वप्रथम अंडाकार एक पिंड बना लेंगे। उसके बाद बायां पैर बनाकर जोड़ेंगे जिसका घुटना ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। उसके बाद दायां पैर बनाकर जोड़ेंगे जो कि पूरी तरीके से जमीन से सटा हुआ होगा। उसको अच्छी तरीके से जोड़ देंगे। वे गोला बनाकर उन दोनों टांगों के बीच में रख देंगे। उसे अच्छी तरीके से मिट्टी से चिपका देंगे। उसके बाद एक पतली पट्टी बनाकर लेफ्ट पैर पर रखेंगे जो कि घुटने तक होगी, और उसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। और दूसरी पैर पर भी उसी प्रकार की पट्टी बना लेंगे, और बीच में जो एक्स्ट्रा जगह बची हुई है वहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी लगाकर चिपका के एक लुंगी जैसा आकार उसको दे देंगे। अब इस लुंगी को अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे पानी लगाकर। अब नाइफ की मदद से उंगलियां बना लेंगे पैरों की, छोटी छोटी अच्छी तरीके से। अब ब्रश पर पानी लगाकर अच्छी तरीके से पैरों को चिकना कर लेंगे। और लुंगी के बीच का जो वस्त्र होता है इकट्ठा, उसको बनाकर चिपका देंगे अच्छी तरीके से। अब इस तरीके का चेस्ट बनाकर लगा देंगे। मिट्टी का एक छोटा गोला बनाकर उसमें छोटी उंगली से दो निशान आँखों के कर लेंगे जो कि सर के रूप में लगा देंगे। अब कुछ इस तरीके से गणेश जी की सूंड हम चिपका देंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे फेस में। अब पानी लगाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पूरे फेस पर। अब आँखों की जगह पर इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे, दोनों आँखों की जगह पर लगा लेंगे इसी तरीके से। अब गणेश जी के हाथ बनाएंगे कुछ इस तरीके से, चार बनाएंगे, उसमें से दो मैंने जोड़ दिए हैं और दो को पीछे जोड़ा जाएगा। और फिर हाथों को टेढ़ा करके इस तरीके से आकार दे देंगे। और फिर हार बनाने के लिए कुछ इस तरीके से एक पतली लेयर बना के लगा देंगे। और फिर हार में टूल की मदद से डिजाइन कर लेंगे धारी वगैरह बिंदु बनाकर। अब गणेश जी के कान बनाकर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, अच्छी तरीके से बनाकर। और फिर पानी और मिट्टी लेकर उन्हें अच्छी तरीके से चिपका देंगे, दोनों कान इसी तरीके से बना लेंगे। और उन पर टूल की मदद से कुछ धारियां कर देंगे जो कि होती हैं, आपने देखी हैं। अब एक सुंदर सा मुकुट बनाकर गणेश जी को पहना देंगे। और उनके एक हाथ में मैंने कमल पहले से बना के रखा था वो दिया है, और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी मैंने बना कर रखी थी वो पकड़ा दी है। और मुकुट को थोड़ा बहुत सजा देंगे टूल्स की मदद से थोड़ी मिट्टी लगाकर। और ये पीछे जो आवा होती है मुकुट की वो बनाई हुई है, मैंने सजा कर पहले रखी थी उसे लगा दिया है। इस तरीके से आपको भी करना है, अच्छी तरीके से मिट्टी से चिपका देंगे उसको। और एक छोटा सा चूहा बनाएंगे जो गणेश जी की सवारी है उसको भी रख देंगे। और एक साथ मैंने लड्डू रखे हैं और ये चूहे की पूंछ वगैरह बना के अच्छी तरीके से, ये अब देखेंगे आप गणेश जी का कंप्लीट लुक। देखिए ये आया है हमारे गणपति बप्पा का कंप्लीट लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं इसी तरीके का आपके लिए वीडियो लाया करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।